कोई भी सार्वजनिक जगह है उस पर सरस्वती पूजा करने पे जथा संभव प्रयास करना है कि सार्वजनिक जगह पे नहीं करना है। दूसरी बात है कि उसमें मैक्सिमम संख्या लिमिट है 50, और दोनों डोज का सर्टिफिकेट उनको लिया होना चाहिए। और जो मेन रूप से जो चिन्हित हॉस्टल है तो प्रतिमा का साइज भी छोटा रहेगा, और कहीं पंडाल भी लगाना है तो उसमें हम लोग डायरेक्शन दिए हैं कि 20x20 का पंडाल रहे, चूँकि मैक्सिमम क्षमता 50 ही है। आने वाले सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरस्वती पूजा के अवसर पर कुछ शर्तों के साथ पूजा कराने की अनुमति दी गई है। आपको बताते चले कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा कराने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सरस्वती पूजा में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु पूजा में वैसे व्यक्ति शामिल होंगे जो कोरोना के दोनों डोज लिए होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को पूर्णतः अनुपालन कराने की जवाबदेही आयोजक की होगी। वहीं पंडाल की सीमा 20x20 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर आयोजक एवं सदस्य जिम्मेदार होंगे, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों की जानकारी SDO पूर्वी के द्वारा दी गई है। के असमंजस की स्थिति बनी, क्या निर्देश है सरकार का और मनाने जाने को लेकर? नहीं, सरस्वती पूजा के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का गाइडलाइन निकल चुका है, और कल हम लोगों को टाउन थाना में शांति समिति की बैठक भी है, और सभी थाना अध्यक्ष को लेटर उसमें भी दे दिया गया है कि कोई भी सार्वजनिक जगह है उस पर सरस्वती पूजा करने पे जथा संभव प्रयास करना है कि सार्वजनिक जगह पे नहीं करना है। दूसरी बात है कि उसमें मैक्सिमम संख्या लिमिट है 50, और दोनों डोज का सर्टिफिकेट उनको लिया होना चाहिए। और जो मेन रूप से जो चिन्हित हॉस्टल है तो प्रतिमा का साइज भी छोटा रहेगा, और कहीं पंडाल भी लगाना है तो उसमें हम लोग डायरेक्शन दिए हैं कि 20x20 का पंडाल रहे, चूँकि मैक्सिमम क्षमता 50 ही है, उसी के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से पूजा करना है। थानों को भी जो इसमें लाइसेंस वगैरह निर्गत करने का भी निर्देश है? हाँ, तो उसी आलोक में कोविड प्रोटोकॉल का जो ऑलरेडी गाइडलाइन लिखा हुआ है उसी के आलोक में थाना के द्वारा और टाउन DSP के द्वारा ज्वाइंट सिग्नेचर करके दिया जाएगा।